वहीं उर्जाधानी सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के बलियरी में स्थित सहकार ग्लोबल के कार्यालय में एक दर्जन से अधिक नकाबपोश युवकों ने हमला बोल दिया। इस हमले में दो तीन लोग भी घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार होकर आए युवकों ने कार्यालय के बाहर खड़ी दोपहिया और चार पहिया वाहनों में भी तोड़फोड़ की। फिलहाल रेड ठेकेदार सहकार ग्लोबल कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बलियारी स्थित ग्लोबल सहकार कंपनी में कुछ लोग इंटरव्यू देने आए हुए थे। इसी बीच बाहर से आए कुछ अज्ञात लोगों ने जो है उनके साथ मारपीट की है। इसमें दो लोग घायल हुए हैं और घायलों को जो है उपचार के लिए भेज दिया गया है। इसमें जो भी आगे तथ्य आएंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जो CCTV टूटने की जो बात आई है उस पर भी हम जांच कर रहे हैं। इसमें जो भी व्यक्ति तोड़ते हुए दिख रहे हैं या दिखेंगे उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। पुलिस निश्चित रूप से मुस्तैद है और इसमें जो भी लोग शामिल हैं इसमें उनको नामजद किया जा करके इस पर हम कार्रवाई करें।